तो कैसे आप लोग लोग टट्टो रट्टा 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 रट्टो लोग लोग टट्टो रट्टा 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 तो कैसे हो मेरे मित्रों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार। भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। प्लीज यार, मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज भाई। मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। सो वे गाइज आर वेलकम बैक टू प्रीतम गेमिंग 001 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस आ चुके हैं क्लैश ऑफ क्लांस के एक और न्यू वीडियो में। एंड आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं क्वीन चार्ज हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के बारे में। सो आप लोग हाइब्रिड स्ट्रैटेजी कैसे यूज कर सकते हो एकदम आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी का क्या क्या रूल्स होता है, आप लोग कैसे उसको यूज कर सकते हो आराम से, हर लीग टूर्नामेंट मैचेस वार सब जगह पर, खास करके CWL में भी आप लोग अच्छे से यूज करके अपने क्लान को प्रोमोट कर सकते हो न्यू लीग में। एंड हो सके तो आप अपने लीडर को इम्प्रेस भी कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। सो आइए देखते हैं आज वो स्ट्रैटेजी कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। एंड होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, गलत बोल दिया, चैनल को लाइक नहीं वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो का लाइक है मैं 35 लाइक्स। सो पता है आप लोग कर दोगे 35 लाइक्स, सो जल्द से जल्द कर देना 35 लाइक्स। एंड हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ऑल पर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, आज हमारा एक फ्रेंडली वार लगा था, हमारे क्लान का नेम था 404 एरर एंड ओपोनेंट क्लान का नेम था परफेक्ट। एंड दोनों के प्लेयर्स जो थे वो एकदम तगड़ी प्लेयर्स थे, मतलब क्या ही अटैक कर रहे थे, एकदम देखने लायक था, मतलब एकदम मज़ा ही आ गया वो अटैक सभी का देखकर। सो चलिए आज हम लोग भी एक लाइव अटैक, एक नहीं दो लाइव अटैक करने वाले हैं। सो दोनों लाइव अटैक हम लोगों ने पहले से प्लानिंग करके रखा है कि हाइब्रिड अटैक स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्वीन चार्ज हाइब्रिड अटैक स्ट्रैटेजी। एंड मुझे लगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी हमारे सब्सक्राइबर्स को भी सिखाना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने लीडर का लीडर के पास अपना इम्प्रेशन बढ़ा सके एंड अपने क्लान का लीग्स टूर्नामेंट्स बाकी सब कुछ जीत सके। सो मुझे लगा ये थोड़ा हेल्पफुल होगा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, तो बना लिया है आज के ये वीडियो। एंड बहुत ही तगड़ा वार था एंड आप लोगों को तो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, 47 स्टार हम लोगों ने किया था एंड ओपोनेंट का 46 स्टार हुआ था। एंड अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर ओपोनेंट का 93.05% हुआ था, जहाँ पर हमारा परसेंटेज अगर देखा जाए तो 95.60% हुआ था। तो हम लोग यहाँ पर जीत गए एकदम आराम से, बहुत मज़ा आया था। सो यहाँ पर प्रिपरेशन डे था 30 मिनट का एंड बैटल डे था 4 आवर का, तो बहुत मज़ा आया था। तो चलिए आज हम लोग लाइव अटैक देखते हैं, हमारे खुद के लाइव अटैक, दो लाइव अटैक देखने वाले हैं आज। सेम स्ट्रैटेजी के साथ आज हम लोग अटैक करने वाले हैं, क्वीन चार्ज हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। दोनों बेस को एक ही स्ट्रैटेजी के साथ क्लियर करने वाले हैं क्योंकि हमारा प्लान एकदम सेम ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगा कि बेस थोड़ा आसपास है, मतलब सेम टाइप का बेस था अगर देखा जाए तो। सो चलिए पहले बेस को स्पेक्टेट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा था बेस। सो गाइज, अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बेस कुछ ऐसा था एंड अगर क्वीन की प्लेसमेंट देखेंगे तो एकदम कोर के आसपास था क्वीन का प्लेसमेंट। एंड सबसे ज़्यादा कोर में था ईगल आर्टिलरी एंड 12 ओ क्लॉक में था टाउन हॉल एंड टाउन हॉल के थोड़े ही आगे में था सीसी। सो आप लोग तो 12 ओ क्लॉक 3 ओ क्लॉक ये सब समझ रहे होंगे, सिंपल सा है, मतलब आप लोग बेस के ऊपर एक घड़ी ला कर रख दो एंड जिस डिरेक्शन में जो भी टाइम दिखेगा वो है वही डिरेक्शन, मतलब वही क्लॉक होता है। जैसे अभी देख सकते हो 12 ऊपर हैं तो टाउन हॉल के नीचे तो 12 ओ क्लॉक में टाउन हॉल है, ये आर्मी कैंप 3 ओ क्लॉक है, ये 9 ओ क्लॉक है ये वाला आर्मी कैंप, ये रहा टाउन हॉल 12 ओ क्लॉक है। सो आप लोग समझ सकते हो, बीच में लाकर सिंपली घड़ी रख देना एंड आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसा क्लॉक है, मतलब
कौन से क्लॉक हैं, क्या बोलते हैं, सब आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। सो गाइस, इसमें हमारा प्लान क्या था कि आप लोगों को मैं पहले रूल्स बता देता हूँ कॉइन चार्ज हाइब्रिड स्ट्रैटेजी का। सो आप लोगों को तीन पॉइंट्स हैं जिसमें से आप लोग को कंपलसरी एक पॉइंट तो करना ही पड़ेगा। अगर एक पॉइंट आप लोगों ने कंप्लीट कर देते हो तो आप लोगों का स्ट्रैटेजी, जो क्वीन चार्ज हाइब्रिड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, वो एकदम आराम से 3 स्टार निकल कर ही आएगा बेस से। हाँ, टाइम फेल दिक्कत दे सकता है, उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मेरा भी हुआ है, टाइम फेल अटैक हुआ है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो स्ट्रैटेजी, वो तो दिखेंगे। लेकिन पहले इस बेस में प्लान करेंगे एंड आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इस बेस पर हम लोगों ने लाइव प्लानिंग एंड लाइव अटैक किया। सो गाइज, बेसिकली प्लान ये था कि टाउन हॉल के पास हम लोग क्वीन चार्ज स्टार्ट करेंगे एंड दो गोल्ड स्टोरेज जो है यहाँ पर, उन दोनों के ऊपर हम लोग डालेंगे दो बेबी ड्रैगन, जिसकी वजह से अच्छे से फनल बन जाएगा एंड क्वीन भी बाहर नहीं घूमेगा। सो यहाँ पर क्वीन टाउन हॉल लेगा एंड देन ये दोनों एलिक्जर स्टोरेज लेगा, देन सीसी यहाँ पर ख़त्म करेगा। उसी टाइम पे बेबी ड्रैगन ये दोनों तोड़कर, गोल्ड स्टोरेज तोड़कर शायद हो सके तो एलिक्जर कलेक्टर को भी तोड़ सके। उसी टाइम हम लोगों को सुपर वॉल ब्रेकर से ये वॉल तोड़ना है, देन क्वीन अंदर आएगा, ये जो दो विजेट टावर है उनको लेगा, ये एक्सपो लेगा एंड यहाँ पर एक जंप स्पेल डाल देंगे जिसकी मदद से क्वीन ईगल आर्टिलरी को ले पाएगा एकदम आराम से। एंड यहाँ से किंग छोड़ देंगे 9 o'clock से, देन हाइब्रिड भटकने का चांस ही नहीं रहेगा, देन यहाँ से हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे। सो सोच रहा हूँ आप लोग को प्लानिंग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। सो हाइब्रिड बेसिकली जो तीन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप लोग हाइब्रिड क्वीन चार्ज हाइब्रिड करते हो तो आप लोगों को आइदर क्वीन एंड ईगल ये दोनों लेना पड़ेगा, या फिर क्वीन सीसी लेना पड़ेगा, या फिर ईगल एंड सीसी ये दोनों लेना पड़ेगा। तीनों में से आप लोगों को किसी एक को फोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका अटैक 3 स्टार हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों जो डिफेंस हैं वो क्वीन चार्ज हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा तकलीफ करते हैं अटैक को फेल करने में। तो आप लोगों को इन तीनों में से किसी दो को लेना ही पड़ेगा। तो मैंने इस बेस पर क्लान कस्टल एंड जो ईगल आर्टिलरी हैं इन दोनों को ले लिया, देन हाइब्रिड स्टार्ट कर दिया। तो आप लोगों को दिखा तो हमें लाइव अटैक कि हम लोगों ने कैसे किया था। ओके, आर्मी तो हमारा रेडी है अभी, अभी सुपर वॉल ब्रेकर भी लिया है हम लोगों ने। तो देखते हैं प्लान के हिसाब से, हमारा सबसे पहले क्वीन चार्ज स्टार्ट करना पड़ेगा टाउन हॉल के साइड से। तो पहले क्वीन को छोड़ते हैं, क्वीन ओके, जो पीछे से हीलर 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 ओके भाई, अटैक स्टार्ट करने से ही एक बंदा स्पेक्टेट करना स्टार्ट कर दिया भाई, ये क्या चलता है मेरा भाई। हमेशा जब भी अटैक करता हूँ एक ना एक दो तो स्पेक्टेटिंग हमेशा रहता ही रहता है। तो यहाँ पर सीसी निकल गया, पॉइजन कर देते हैं ओके। तो देखते हैं भाई कितना परसेंटेज निकलेगा, 1 स्टार तो निकल गया अभी ओके। सीसी ख़त्म, भाई बेबी ड्रैगन छोड़ देते हैं दोनों साइड पे, दो गोल्ड स्टोरेज के ऊपर ओके, अच्छे से फनल बन जाना चाहिए। यहाँ पर टेस्ला फार्म निकल गया है, चारों के चारों टेस्ला फार्म निकलेगा शायद, लग तो रहा है निकलेगा। सो सुपर वॉल ब्रेकर छोड़ देते हैं यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगा क्वीन को अंदर आने में। यहाँ पर एक रेज डाल देते हैं ओके ओके, सब कुछ सही जा रहा है। एंड यहाँ पर किंग ओके, किंग का ऑटो एबिलिटी है तो वो वहाँ पर दे देंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जंप डाल देते हैं ओके। सो देखते हैं भाई, ओ भाई टोर्नाडो निकल गया है, तो यहाँ पर रेज करना बहुत ज़रूरी है। ओ भाई साहब एबिलिटी, ओ भाई यार एबिलिटी यूज हो गया ओके, कोई बात नहीं। 23% 1 स्टार आ गया है अभी तक। एंड देखते हैं भाई, जम करके आएगा ही तो आएगा, वरना कहाँ जाएगा, कैनन तोड़कर आ जाएगा क्वीन। सो देखते हैं भाई, क्वीन आता है या भटक जाता है, हाइब्रिड स्टार्ट कर देते हैं वरना टाइम फेल हो जाएगा। टाइम फेल का मतलब टाइम का यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, इसलिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखते हैं अभी हमारा टाइम पहले होता है या नहीं। सो ओके, वार्डन एबिलिटी, देन क्वीन के क्वीन लॉक हो चुका है, जो ईगल अटैक ले रही है उसके ऊपर। यहाँ पर क्वीन के ऊपर फ्रीज, ओपोनेंट क्वीन के ऊपर एंड एक हीलिंग स्पेल ओके। भाई साहब बहुत डैमेज पड़ रहा था हॉक्स को, यहाँ पर 2-3 हॉक्स तो वहाँ पर मर गए ओके, कोई बात नहीं। सो देखते हैं भाई,
क्वीन की एबिलिटी भी कब हाँ पहले यूज हो गया, तो अभी देखते हैं। ओके किंग को फ्रीज कर दिया है एंड भाई साहब टाइम का दिक्कत दे सकता है साथ, क्योंकि लास्ट 40 सेकंड है एंड बहुत सारा जो बिल्डिंग्स हैं वो बचा है अभी तक क्लीन अप का, भाई बहुत देरी हो जाएगा। ओके सभी ट्रूस छोड़ दिया है हम लोगों ने, 77% टू स्टार आ गया है अभी तक एंड भाई लग नहीं रहा है थ्री स्टार होगा क्योंकि बहुत सारे डिफेंस बचा है, डिफेंस तो नहीं बिल्डिंग्स बचाए अभी तक। लास्ट 20 सेकंड है, 85% टू स्टार आ गया है। ओके भाई क्वीन अच्छे से काम कर रहा है भाई। लास्ट 15 सेकंड भाई, थ्री स्टार होगा क्या भाई, हो जा प्लीज 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 हो जा भाई, भाई भाई इस बार गोल्ड पास दे दूंगा भाई, प्लीज हो जा भाई। लास्ट 2 सेकंड भाई गया यार, 98% टू स्टार यार, टाइम फेल। आपने देखा है यार फास्ट अटैक हमारा कैसा था, 98% टू स्टार हो गया, टाइम फेल हो गया अटैक, थोड़ा मतलब माइनस तो बचे थे लेकिन थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है इस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में एंड अटैक बिल्कुल भी सही था तो थोड़ा टाइम का पंगा हो गया। चलिए ध्यान रखना क्वीन चार्ज हाइब्रिड में थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है, सो आप लोग टाइम देखकर ही अटैक स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर देना, हमारा जो क्वीन जो हाइब्रिड होता है वो आप लोग स्टार्ट कर देना। सो गाइज होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर 1% भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ न्यू अपडेट तो आ गया है यहाँ पर अपना नेम चेंज करने का, जो कि बहुत ही मस्त अपडेट लगा मेरे को, सो होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।